मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली आज मध्य प्रदेश राज्य में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को पूर्ण कर लिया गया है, जिसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के न्यू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में मध्य प्रदेश का पूरा कार्यभार सौंप दिया गया है, जो कि दोस्तों मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण को पूर्ण करने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश की प्रत्येक जनता के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, जिनका लाभ मध्य प्रदेश की प्रत्येक नागरिकों के लिए मिलने वाला है। दोस्तों तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वह 5 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश राज्य के न्यू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा विधानसभा चुनाव होने से पूर्व ही जारी किए गए घोषणा पत्र में किए गए प्रत्येक वादों को पूर्ण करने का आश्वासन प्रदान किया गया है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में हुए इस विधानसभा चुनाव में जीत का कारण बनी लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत डॉक्टर मोहन यादव की पहली घोषणा की गई है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लाड़ली बहना योजना को निरंतर संचालन करने का आश्वासन भी प्रदान किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत प्रति माह 1250 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में निरंतर ही वृद्धि की जाएगी और अगले माह में आप सभी के लिए पूरे के पूरे 1500 रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा और अंतिम चरण में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माताओं व बहनाओं के लिए पूरे के पूरे 3000 रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली घोषणा कैसी लगी, आप सभी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दूसरी और मुख्य घोषणा कौन सी की गई है। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के न्यू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा दूसरी व प्रमुख घोषणा प्रत्येक किसान भाइयों के लिए की गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, दूसरी व मुख्य घोषणा में प्रत्येक किसान भाइयों की गेहूं की खरीदी को 2700 रुपया क्विंटल और धान की खरीदी को 3100 रुपया क्विंटल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप सभी के लिए DAP की प्रत्येक बोरी में सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए दूसरी घोषणा भी कैसी लगी, आप सभी हमको कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि तीसरी और मुख्य घोषणा कौन सी है। दोस्तों यदि अब हम तीसरी व मुख्य घोषणा की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश राज्य की न्यू मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा शिक्षा पर फोकस किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, गरीब परिवार के प्रत्येक छात्रों के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की बिल्कुल मुफ्त में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही में आपको 1200 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे सभी बच्चे स्कूल बैग, किताब और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों मिड डे मील के साथ अब आपको पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला जाएगा। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी पूर्ण करने का आश्वासन प्रदान किया गया था। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना को निरंतर चालू किया जाएगा और इसमें आपको प्रतिमाह 10000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ ही प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी, जिससे आप सभी को रोजगार भी मिलेगा और आपको खेल संबंधी शिक्षा की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि चौथी और मुख्य घोषणा कौन सी है। दोस्तों इसके अलावा चौथी व मुख्य घोषणा मध्य प्रदेश के प्रत्येक वृद्ध नागरिकों के लिए की गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था कि वृद्ध नागरिकों की पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा, जिसे डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जल्द ही लागू करने का आश्वासन प्रदान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक वृद्ध नागरिकों को 600 की जगह पूरे के पूरे 1500 रुपये की पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अंतिम पांचवी और मुख्य घोषणा कौन सी है। दोस्तों वहीं अब पांचवी और अंतिम मुख्य घोषणा की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लाडली बहना योजना के पश्चात अब लखपति बहना योजना को संचालन करने का भी आश्वासन प्रदान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश राज्य में बहनाओं को आत्मसम्मान प्रदान करने का कार्यक्रम यूं ही निरंतर जारी रहेगा और जल्द ही लखपति बहना योजना का संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की प्रत्येक महिलाओं की आमदनी को प्रति माह 10,000 रुपये महीना किया जाएगा, यानी कि आप सभी सालाना 1,00,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक कमाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मध्य प्रदेश राज्य के न्यू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रत्येक घोषणाएं कैसी लगी, आप सभी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश के न्यू मुख्यमंत्री की प्रत्येक जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त हो सके।